देखिए आज महुआर में खामोशी का माहौल दिख रहा है, सड़कें शांत है लेकिन जगह जगह पर इसी तरह युवक नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख ले, महुआर के सड़कें पूरी खामोश है, जो ड्यूटी जाने वाले लोग हैं वही नजर आ रहे हैं, और नहीं तो घर में महिलाएं नजर आ रही हैं जो अपने गेट पर झाड़ू मारती नजर आती हैं। दिन में भी झाड़ू इन्हें मारना पड़ता है, मजबूर है यहाँ की महिलाएं। आखिर सुबह दिन क्यों झाड़ू मारती है जरा इनसे जानते हैं, क्या दिक्कत है आप लोगों को? पूरा दिक्कत है, खाना में पड़ जाता है, खाना नहीं अथी दिक्कत हो रहा है, झाड़ू मारने में दिक्कत हो रहा है, कम घर घुस जाता है कचरा, परेशानी होता है, पानी में पड़ जाता है, खाना में पड़ जाता है, ढक के रखना पड़ता है। क्या क्या दिक्कत हो रहा है अब आप लोगों को? बच्चा स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, दिक्कत होता है, घर में इतना डस्ट उठ जाता है, दिन भर हम लोग झाड़ू पोछा करते रहते हैं, और छोटा छोटा बच्चा है, आने जाने में दिक्कत होता है। क्या लगता है, क्या मांग है आप लोग, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ बंद करना है कि हम लोग का दिक्कत होता है, बच्चा लोग कैसे आएगा जाएगा, हम लोग भी काम करते हैं तो हम लोग का भी डस्ट उठता है, हम लोग भी काम अपना नहीं कर पाते हैं, सिलाई है कटाई कुछ भी हम लोग करने जाते हैं तो उतना डस्ट उड़ने से के कारण हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, इतना उड़ते रहता है, बच्चा लोग को स्कूल जाने आने में दिक्कत होता है, आंगनबाड़ी है, दो दो तीन दिन को स्कूल है, कैसे जाएगा बच्चा, कैसे आएगा, किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है हम लोग का रोड में। देखिए जो घर के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा करने के बाद जब घर में वो जाती हैं और चंद घंटों के बाद ठीक अपने दरवाजे पर जब पहुँचती हैं तो फिर इतना ही झाई यहाँ जमा रहता है, क्योंकि जो गाड़ियाँ जाती हैं वो काफ़ी ओवरलोड गाड़ियाँ हुआ करती है, और ओवरलोड गाड़ियाँ में डस्ट उड़ता हुआ जाता है। कंपनी के लोग यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था पानी के भी नहीं करके रखते हैं जिससे धूल नहीं उड़े।